सब अम्बेडकर का हम साथियों यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। कल भी मेरे कार्यक्रम उचाना विधानसभा में चीन में रहे, कल मैं छात्र में गया, छात्र एक बहुत बड़ा गांव है, छात्र के लोगों ने हमें सिक्कों में तोड़ करके सम्मानित किया, छात्र के लोगों ने सिक्कों में तोड़ करके सम्मान देने का काम किया। हम छोटी सुतगढ़ कला में भी गए, हम तो वहां पर साथियों लोगों से वैसे मिलने गए लेकिन एक बड़ी जनसभा का रूप लोग धारण कर गए। आज पूरे हरियाणा में एक बदलाव की आंधी चल रही है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर को जिनको याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमें छोड़ करके चले गए, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ करके चले गए। पूरी कांग्रेस ने, पूरी कांग्रेस की टीम ने घी के चिराग जलाए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जो गरीबों का मसीहा है, दलितों का मसीहा है, कमजोर की बात करने वाला है, आज इस बात को छोड़ करके चला गया है। आज के बाद इंडिया में कोई गरीबों की आवाज नहीं बढ़ेगा, लेकिन धन्य है मान्यवर साहब का श्रीराम जी, मान्यवर साहब का श्रीराम जी पंजाब की धरती में पैदा हुए, मान्यवर साहब का श्रीराम जी ने पंजाब की धरती पे पैदा होकर के इस देश में जो लोग ये कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का चिराग बुझ गया है, बाबा साहब अम्बेडकर का दीपक बुझ गया है, मान्यवर साहब का श्रीराम जी ने आकर के बाबा साहब अम्बेडकर के चिराग में साथियों घी डालने का, तेल डालने का काम कर दिया है। आज मान्यवर साहब का श्रीराम जी अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम न लेते इस देश में कांग्रेस पार्टी भी यही थी, इस देश में बीजेपी भी यही थी, इस देश की तमाम पार्टियां चाहे वो सीपीआई सीपीएम के लोग सब लोग यहीं पर थे, कोई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के लिए इस देश में तैयार नहीं था। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी जिन्होंने इस देश में अम्बेडकर वाद का नारा लगाया, अम्बेडकर वाद का नारा लगाया। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा किया,